ये पूछना चाहता हूँ कि ये आजकल जो सीरीज और सीरियल्स होते हैं, इनमें जो नौजवान लड़के लड़कियां जो काम करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस देख के आपको लगता है कि ये लड़के मेहनत करके काम करते हैं? टैलेंट है और शौक से काम कर रहे हैं। और जैसे अभी आदिल साहब ने कहा कि ऐसे लोग अगर वाकई संजीदगी से लगन से काम करेंगे तो आई थिंक आवर कंट्री इज लोडेड विद टैलेंट्स इन एवरी फील्ड। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें सलाहियतों की कमी नहीं है और बड़े बड़े टैलेंटेड और जहीन लोग यहां पर मौजूद हैं। ये एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है जिसने, नौजवानों की बात हो रही है तो इस नौजवान से मैं शुरू करता हूं। क्या हाल है बाबर आपके? वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। अभी जो शकील ने कहा है, क्या आप उस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हम लोगों ने जो काम किया है उस वक्त वो लोग थे जो बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा ऑर्गेनाइज, वक्त की पाबंदी, बहुत मेहनत से, क्या आप लोग इस तरह से काम करते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ, बल्कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस मौजूदा दौर में जिस वक्त मैं आया हूँ तो मुझे भी बहुत ही डिसिप्लिन और अच्छे लोग मिले हैं और मुझे अपनी परफॉर्मेंस को अदा करने में मतलब बहुत ज्यादा मौका मिला। क्या काम करने में ज्यादा लुत्फ आता है, कॉमेडी या सीरियस? नहीं जी, शुरू से मेरा ये था कि जो भी रोल मुझे मिले मैं उसे खूब से खूब मतलब बेहतर तरीके से कर सकूं। अच्छा अच्छा, मतलब ये कि इतने बड़े बड़े बालों पर अगर लड़की का रोल मिले कर लोगे? नहीं, वो आप कर चुके हैं तो मेरे लिए तो कुछ चांस नहीं। देखो, ये फर्क है पुराने लोगों में और नए लड़कों में। अगर मैं होता और मेरी जगह कोई पुराना होता तो मैं उनको कभी जवाब नहीं देता। नहीं नहीं, बोलो ना, बोलो। वो दरअसल मेरे जवाब में प्यार था। अल्लाह रे, सबके जान का बहुत सारी तालियां, वेरी टैलेंटेड आदमी।